हम कितना एक्साइटेड है उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। जितने भी साथी पहली बार इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं, पहली बार जो साथी आज के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और जो रोज रेगुलर आ रहे हैं, तो उन सबसे मेरा एक निवेदन रहेगा, अपने आप को एक व्यवस्थित तरीके से एक बार मैनेज कर लें। मोबाइल का वीडियो ऑन रखें, जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं एक साफ सुथरी जगह पे बैठे हैं, पीछे का बैकग्राउंड एक साफ दिखे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, आपका चेहरा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो सबसे पहले वीडियो ऑन जरूर रखें ताकि आपका भी चेहरा पूरे हिंदुस्तान में दिखे। दूसरा, पेन और डायरी लेके बैठे, और एक जो सूचना है, मोबाइल को इस हॉरिजेंटल मोड में रखें ताकि आपका चेहरा पूरा एकदम पूरा बैकग्राउंड क्लियर में दिखे। और एक महत्वपूर्ण जो सूचना है, हमेशा हम बार बार बोलते हैं, हमें डिसिप्लिन में रहना है, मतलब हर समय सजग रहना है। सजग रहने का मतलब यह है अनावश्यक हमें चैट नहीं करना है, बिना मतलब के ये इसमें अपना दिमाग नहीं डालना है। आप सबका पुणे में एक बार जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा। आप अपना जो कीमती समय आज यहाँ दिया है, मेरी गारंटी है आप यहाँ की एक एक बात अगर नोट करेंगे डायरी में, दिमाग में नोट नहीं करना है, हमें अपनी डायरी में नोट करना है, और वो बात जो नोट करेंगे और उसके ऊपर आप विश्लेषण करके अगर अपने फील्ड में लोगों को बताएंगे, तो हो सकता है आज आपके समझ में आए या नहीं आए, लेकिन आप जिन लोगों को बता रहे हैं उनको इसके बारे में विशेष जानकारी मिल जाएगी और आपका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। और गामा ओरिजिनल का जो हमारा प्रोडक्ट है, अभी एक टारगेट भी हमारे बीच में चल रहा है, 30 पैकेट गामा ओरिजिनल का। अगर हम लगातार ये खरीदारी करेंगे, हर महीने 10,000 परचेज वॉल्यूम, तो हमें दूरी पंजाब जहाँ भी ये इसका प्रोग्राम होने वाला है उसमें हमें शामिल होने का बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। और जो 13 नवंबर 2022 दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो सम्मान मिलने वाला है, वो एक बहुत अद्भुत होने वाला है। तो आप अपने को कितना अलर्ट मोड में रखे हैं, क्योंकि जूम का सेशन फुल हो चुका है, YouTube चालू हो चुका है, तो हम जितने भी साथी को YouTube में कन्वर्ट करेंगे और आज का सेशन का भरपूर तरीके से एनर्जेटिक तरीके से हमें उसका लाभ ले सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। तो मैं विलंब ना करते हुए आप सबकी जोरदार तालियां के बीच में आज हमारे बीच में जो हेल्थ गार्ड की जो विशेष ट्रेनिंग लेके आए हैं, हेल्थ गार्ड के तरफ से दिव्या मैम को मैं आप सबकी जोरदार ताली के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम, आप आइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? जितेंद्र जी कैसे हैं? अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग सभी को। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस ऑन करके बैठें। बहुत आनंद आता है जब सब लोग वीडियो ऑन करके डायरेक्ट वन टू वन बात करते हैं, एक दूसरे से सीखने समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबका तहे दिल से इस मीटिंग में आने का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस मीटिंग में हम गामा ओरिजिनल को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा पड़ाव, कोई भी ऐसा पॉइंट हमारी नजर से छूट ना जाए जो गामा ओरिजिनल के बारे में हम मिस कर जाएं। तो आप सबसे आग्रह पहले ही हो चुका है कि कॉपी पेन लेकर इस मीटिंग में बैठें। बिना समय को व्यर्थ किए मैं इस मीटिंग को आगे बढ़ाती हूँ। मैं धनराज जी से अनुमति मांगती हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके पीपीटी स्टार्ट करती हूँ। जी बहुत मैम, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म, पूरा भारत आज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर है। बहुत ज्यादा खुशी और हर्ष का माहौल है। इसी के बीच हम चर्चा करेंगे अपने इकलौते प्यारे, बेहतरीन, नगीने, बेशकीमती प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल के बारे में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्या, मैं आप सबकी हेल्थ गार्ड एक्सपर्ट हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गामा ओरिजिनल के बारे में, कोशिश करेंगे इसको हर एक पहलू की तरफ से देखने की कोशिश करेंगे, इसका कोई भी पॉइंट हमारी नजर से रह ना जाए। सबसे पहले जरूरी है इसको जानना कि गामा ओरिजिनल अपने आप में है क्या। गामा ओरिजिनल अपने आप में एक न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द को बेहतर तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि हम इसको दो शब्दों में बांट
बांट दें, पहला न्यूट्रिशन और दूसरा फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन का मतलब है वो तत्व जो हमें पोषण देता है, और फार्मास्यूटिकल का मतलब है वो तत्व जो हमें रोकथाम में काम करता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ किसी भी तत्व में ये दोनों प्रवृत्तियां मिलनिया तकरीबन बेहद मुश्किल है, लेकिन जिन तत्वों में ये दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं उनको न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया जाता है। आपका अपना गामा और इज़ोनॉल न्यूट्रास्यूटिकल है, क्योंकि ये एक ही समय पर आपके शरीर को शक्ति और समृद्धि भी देता है, स्वस्थ भी देता है, और साथ ही बीमारियों के साथ रोकथाम का काम भी बराबर करता है। इसे मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मानव जाति पर 17 प्रकार की बीमारियों का रोकथाम करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए साबित हो चुका है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। लेकिन सिर्फ 17 ही नहीं, अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में अनेकों टेस्टिमोनियल्स आपकी तरफ से हमारे पास आ गए हैं, लेकिन क्योंकि उन बीमारियों को अभी रजिस्टर नहीं किया गया है, उनके ऊपर कोई ऐसी रजिस्टर्ड रिपोर्ट नहीं आई है, इसीलिए हमने अभी ये 17 पर ही रोका हुआ है। जल्दी ही ये नंबर इंक्रीज होने वाला है। इसके अलावा आपका अपना गामा ओरिजिनल, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी शुद्धता के बारे में मैं आपको बता दूं, जब जापान की एक लेबोरेटरी में, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग की गई, तो जो रिजल्ट निकल कर सामने आया वो था कि गामा ओरिजिनॉल, एपी ऑर्गेनिक्स में बना हुआ गामा ओरिजिनॉल, आरसीएम परिवार के हर एक शख्स के हाथ में पकड़ा हुआ गामा ओरिजिनॉल 103.77% शुद्धता के साथ आता है, 103.77 प्योरिटी के साथ आता है, यानी कि आपका अपना गामा ओरिजिनॉल इंटरनेशनल प्योरिटी रखता है, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी मेंटेन करके रखता है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि ये गामा ओरिजिनॉल अब भारत में भी निर्मित होने लगा है, वो भी बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर। अफोर्डेबल प्राइसेस पर होने का मकसद एकमात्र यही है कि एपी ऑर्गेनिक्स और आरसीएम परिवार दोनों की सोच यही है कि गामा ओरिजिनॉल, क्योंकि भारत में इस समय बीमारियों का घेरा जरूरत से ज्यादा बड़ा हुआ है, तो जरूरी है कि ये गामा ओरिजिनॉल हर एक घर तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति की जेब में फिट हो पाए, इसीलिए इसे अफोर्डेबल प्राइसेस पर रखा गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गामा ओरिजिनॉल का सेवन जब हम लगातार लंबे समय तक करते हैं तो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स हमें होते हैं वो हमारे शरीर पर नहीं हो पाते। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं रोग मुक्त जीवन के लिए? माफी चाहती हूं, मैं आपके अपने रोग मुक्त जीवन की चर्चा नहीं कर रही, यहां पर मैं आरसीएम परिवार से बात कर रही हूं। आरसीएम परिवार से बात करने का मतलब है एक स्पेशल ओहदे वाले सदस्यों से बात करना, आपको, आपके साथ बात करना। आपको कोई भी बात करने से पहले मुझे ये समझ में आता है कि आरसीएम परिवार जहां पर एक सदस्य बैठा है वो अपने साथ अनेकों लोगों को लेकर बैठा है, यानी कि यहाँ पर आप सबने रोग मुक्त करना है, अपने पारिवारिक जनों को, अपने संगी साथियों को, अपने दोस्तों मित्रों को, पड़ोसियों को, दफ्तर में काम करने वाले लोगों को, जितने भी लोग आपकी सोसाइटी में आते हैं, क्या आप उन सबको रोग मुक्त करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आरसीएम परिवार बिल्कुल करबद्ध रहता है, हमेशा अपनी कमर की पेटी बांध कर रखता है। कोई भी काम जब ठान ले आरसीएम परिवार तो उसको कोई उसको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता उस काम से। सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चा करती हूँ कि अलग अलग बीमारियों पर ये किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले चर्चा की जाएगी हृदय रोग की। हृदय रोग के बारे में मैं आपको बता दूं, अनेकों ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हृदय रोग हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे कि गलत खान पान होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, वायु प्रदूषण का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ज्यादा सिगरेट शराब का सेवन करना, या फिर बहुत ज्यादा मोटापा होना। इन सभी कारणों की वजह से हमारे शरीर में हृदय रोग की संभावनाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना मुनासिब समझती हूँ कि 2016 में हुई रिसर्च के जरिए ये बात पता चलती है कि 2016 में 28 लाख लोगों की मृत्यु मात्र एक बीमारी हृदय रोग से हुई। जब इस नंबर के ऊपर अध्ययन किया गया, इसके ऊपर चर्चा की गई, रिसर्च की गई, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि की है, उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर हृदय रोग को इसी प्रकार से बढ़ने दिया गया, अगर हृदय रोग को कंट्रोल ना किया गया, तो 2030 तक पहुंचते पहुंचते
हृदय रोग से मरने वाले लोगों की संख्या एक वर्ष में जो 28 लाख थी 2016 में, 2030 तक पहुंचते पहुंचते 2.5 करोड़ लोग हो जाएंगे। यानी कि 2.5 करोड़ लोग मात्र एक बीमारी से एक वर्ष में मरने लगेंगे, और वो बीमारी है हार्ट डिजीज, हृदय रोग। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये एक ऐसी गंभीर अवस्था है जिसको हमें अपने हाथों में लेना होगा, जिसको कंट्रोल हमें करना होगा, क्योंकि उसका इकलौता इलाज हम सब के पास है। मुझे ऐसा लगता है कि हृदय रोग हमारे भारत के लिए दूसरा कलंक बन सकता है, जैसे कि पहला कलंक ऑलरेडी हमारे माथे पर लग चुका है। दुनिया भर में इतने डायबिटीज के, मधुमेह के इतने मरीज नहीं है जितने मात्र भारत में है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी, मैं ये मानती हूँ कोई भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दूसरा कलंक भी भारत के माथे पर लगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बता दूं, ज्यादातर हमारी मांसपेशियों में जब जब कोलेस्ट्रॉल का जमाव जरूरत से ज्यादा होने लगता है तो हृदय रोग की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन नाम की दवाई का सेवन किया जाता है। स्टैटिन के ऊपर जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि इसके अनेकों साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर पर पाए जाते हैं। ये हमें मसल डैमेज करता है, मेमोरी लॉस करता है, किडनी डैमेज करता है, यहां तक कि हमें डायबिटीज का मरीज बना देता है। तो एक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें अनेकों गंभीर बीमारियों के चंगुल में फंसना पड़ता है। हम स्टैटिन को क्यों सेवन करें, क्योंकि हमें इतने सारे साइड इफेक्ट्स दे रही है। हम अपने गामा ओरिजिनल का सेवन क्यों ना करें। जब स्टैटिन और गामा ओरिजिनल का एक आंकलन किया गया, स्टैटिन और गामा ओरिजिनल को कंपैरिजन किया गया, एक दूसरे के साथ जांचा परखा गया, तो ये पाया गया कि दोनों की इक्विवेलेंट एफिकेसी है, गामा ओरिजिनल की और स्टैटिन की, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि दोनों बिल्कुल बराबर क्षमता से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन दोनों में एक ही फर्क है। फर्क ये है कि जहां स्टैटिन हमारे शरीर में अनेकों दुष्प्रभाव देती है, गामा ओरिजिनल ये बात साइंटिफिकली प्रूवन कर चुका है कि हमारे में कहीं पर भी कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता गामा ओरिजिनल से। जापान जैसी बड़ी कंट्री और अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान, दोनों बड़े देशों ने गामा ओरिजिनल को रजिस्टर किया है एक बेहद महत्वपूर्ण दवाई के चलते। इन दोनों कंट्रीज का कहना है कि गामा ओरिजिनल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेहद कारगर और नेचुरल तत्व है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि मेदांता हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पदवी से आते हैं, उनका कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, या फिर अगर आप अपने जीवन में हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम करना चाहते हैं, तो बेहद जरूरी है कि आप गामा ओरिजिनल का सेवन लगातार लंबे समय तक करते रहें। मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं कि डॉक्टर प्रवीण चंद्रा भारत के टॉप मोस्ट हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, जो कि सीनियर डायटिशियन है एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका कहना है कि अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर वजन कम करने के लिए आपको जरूरी है कि रोजाना अपने भोजन में गामा ओरिजिनल का सेवन शुरू कर दें। इसके अलावा अगर एक वाक्य में मुझे सम्मिलित करना हो तो आप सबके हृदय के लिए एकमात्र सपोर्ट सिस्टम है आपका अपना गामा ओरिजिनल। जी हाँ, मात्र हृदय रोग ही नहीं, ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है गामा ओरिजिनल। आप खुद रिसर्च करते हैं, आप सब लोग बेहद स्मार्ट हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का समय है, डिजिटल समय है, आप सबके पास स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट का एक्सेस है। आप खुद गूगल पर रिसर्च कीजिए किस प्रकार से गामा ओरिजिनल हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। जब आप खुद रीड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गामा ओरिजिनल वाकई डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन रोल अदा करता है। सेम ऐसा ही कहना है डॉक्टर चारू दुआ जी का, जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी नई दिल्ली से आती हैं। डॉक्टर साहिबा ने बताया कि गामा ओरिजिनल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज के ऊपर बेहतरीन काम करता है। यहां मैं आपको बताना चाहती हूं कि डॉक्टर चारुदुआ ने वजन कम करने वाली बात पर भी गामा ओरिजिनल के ऊपर भी मोहर लगाई है कि गामा ओरिजिनल का सेवन करने से हमारा वजन भी कम हो सकता है। बड़े बड़े अखबारों में लिखा जा रहा है कि गामा ओरिजिनल शरीर की शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा कैंसर जैसी गंभीर समस्या जिसको कंट्रोल करना नियरली असंभव है, ऐसी समस्या जिससे बड़े बड़े महानुभाव
पर्सनालिटीज भी नहीं बच पाई, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी नहीं बच पाई जो अपने जीवन को बेहतरीन स्तर से जीती हैं, उनके ऊपर भी इस कैंसर जैसी बीमारी ने अपना घेरा जमा लिया। यहां मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज लेकर आता है। बिल्कुल सही सुना आपने, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है गामा ओरिजिनल में। इसके बारे में ऐसा कहना है डॉक्टर राहुल भार्गवा का। डॉक्टर राहुल भार्गवा डायरेक्टर की पदवी पर है फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली से। उनका कहना है कि अगर हम लगातार लंबे समय तक गामा ओरिजिनल का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स पनपते ही नहीं है। अनेकों प्रकार के कैंसर कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने का काम करता है गामा ओरिजिनल। ऐसा डॉक्टर राहुल भार्गवा ने द ट्रिब्यून नाम के बड़े अखबार में अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा। डॉक्टर राहुल भार्गवा के बारे में बताना चाहती हूँ, ये भारत के टॉप मोस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने अभियान चला रखा है भारत को कैंसर मुक्त करने का। इसीलिए समय समय पर अलग 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 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर इस बात की चर्चा करते हैं कि गामा ओरिजिनल वाकई अनेकों प्रकार के कैंसर्स को कंट्रोल कर सकता है। हाइपोथायराइड के मरीजों के लिए रामबाण इलाज बन गया है गामा ओरिजिनल। अनेकों प्रकार के टेस्टिमोनियल्स, अनेकों प्रकार की रिपोर्ट्स हमारे पास इस बारे में मौजूद हैं। साउथ कोरिया में हुई इस रिसर्च की का मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। इस रिसर्च में देखा गया कि उन महिलाओं को लिया गया जिनका TSH लेवल ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ था, जब उन महिलाओं को 300 mg ऑफ गामा ओरिजिनल का सेवन करवाया गया तो ये देखा गया कि 8 में से 6 महिलाएं यानी कि तकरीबन 80% महिलाओं का TSH लेवल कंट्रोल हो गया। रिकॉर्ड रूप से रिजल्ट देखा गया, इसकी पुष्टि की गई है साउथ कोरिया की इस स्टेटमेंट में। इसके अलावा 20 साल का मेडिकल जगत का एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर योगेश शर्मा जी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज को गामा ओरिजिनल का सेवन जरूर करना चाहिए। डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने भी इस बात को माना है कि उनके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनल ने बेहतरीन रोल अदा किया है। इसके अलावा बड़े बड़े अखबारों में गामा ओरिजिनल के चर्चे हो रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भारतीय लोगों की ये प्रवृत्ति है कि वो ज्यादातर तब तक अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते जब तक उन्हें कोई ना कोई बीमारी अपने घेरे में ना घेर ले, लेकिन जैसे ही किसी रिपोर्ट में कोई बीमारी की शुरुआत कोई अलर्ट आता है उसी समय चारों तरफ से जुगाड़ लगाने लगेंगे कि किस प्रकार से बस इस बीमारी से मैं निकल पाऊं, इस बीमारी का हल मैं ढूंढ पाऊं। ऐसा क्यों? क्यों हम अपनी सेहत के लिए पहले से ही सतर्क नहीं, क्यों हम अपनी सेहत को पहले से ही समृद्ध रखना नहीं चाहते, क्यों हम गामा ओरिजिनल का सेवन करके पहले से ही इन बीमारियों की इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? देखा गया है कि गामा ओरिजिनल का सेवन करने से हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि आने वाली छोटी मोटी इंफेक्शन से हमारा शरीर खुद ब खुद लड़ पड़ता है। अगर शरीर के विभिन्न अंगों की बात करूं तो गामा ओरिजिनल हमारे शरीर के हर एक अंग के लिए सहायक काम करता है। बात करते हैं लीवर के लिए, गामा ओरिजिनल हमारे लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है, सेफ करता है, सिक्योर करता है। ऐसा कहना है डॉक्टर नमिता नादर का, डॉक्टर साहिबा ने जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से इस बात की पुष्टि की है कि जिन मरीजों को गामा ओरिजिनल का सेवन करवाया जाता है उनके लीवर की फंक्शनिंग में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखी गई है, यानी कि वाकई में उनके लीवर का फंक्शन का उनके लीवर का काम करने का तरीका बेहतरीन हो गया है, बेहद ज्यादा इंप्रूव हो गया है। डॉक्टर साहिबा ने ये तक कहा कि अगर लीवर में कोई इंजरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, कोई इंफेक्शन हो जाए, उसको भी कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनल बेहतरीन रोल अदा करता है। यहां मैं आपको बताना चाहती हूं कि डॉक्टर नमिता नादर जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट News18 जैसे बड़े न्यूज चैनल में दी थी। इसके अलावा हमारे पेट की हर एक समस्या का इलाज कर सकता है गामा ओरिजिनल, ऐसा कहना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक लंबी रिसर्च के बाद अपने साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की मदद से इस बात की पुष्टि की है कि जब गामा ओरिजिनल का सेवन लगातार लंबे समय तक किया जाता है तो हमारे शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का अल्सर पैदा नहीं होता। यहां तक कहा गया है कि पेट में पैदा होने वाले गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जैसे कि कुछ भी खाने के बाद जब पेट में जलन का एहसास होता है उस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी रिड्यूस करता है गामा ओरिजिनल। दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्रीज ही नहीं, भारत के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स भी गामा ओरिजिनल लेने की सलाह देते हैं। जी हां, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जिनके सिर पर ताज है गुड़गांव के नंबर 1 डॉक्टर होने का, डॉक्टर साहब ने बताया कि पेट की हर एक समस्या को अलविदा कहने की क्षमता है गामा ओरिजिनल में। यहां मैं आपको बताना चाहती हूं जब भी पेट की समस्या की बात होती है जेलोसिल सबसे पहले जहन में आती है। जेलोसिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर घर में पाया जाता है, जिसका
उपयोग बेहद ज्यादा किया जाता है बिना कुछ सोचे समझे। हम अपने घरों में बच्चों से लेकर बड़े, बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक जेलोसिल का प्रयोग करवाते हैं। लेकिन यहां मैं आपको चेतावनी देने आई हूं, जेलोसिल सिंथेटिक तरीके से तैयार की जाती है, इसके अनेकों साइड इफेक्ट्स हैं हमारे जीवन में। तो फैसला आपने करना है कि आपने जेलोसिल का सेवन करना है या फिर आपके अपने गामा ओरिजिनॉल का, एक ऐसा गामा ओरिजिनॉल जो बिल्कुल नेचुरल है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और बेहतरीन एंटा एसिड है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है गामा ओरिजिनॉल, ऐसा कहना है डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी का। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी ने बताया कि हमारे शरीर में होने वाले ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। बताना चाहते हो ये फ्री रेडिकल्स एकमात्र एक ही काम करते हैं हमारे शरीर में, विभिन्न अंगों को डैमेज करने का काम। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, उन्होंने ये बात कही है कि इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है गामा ओरिजिनॉल, यानी कि इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, बांध कर रखता है गामा ओरिजिनॉल। ये भी बात बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये चर्चा द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बेहतरीन नंबर वन अखबार में की है। डॉक्टर साहब का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल बेहद पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स की जब चर्चा की जाए तो विटामिन ई जरूर जहन में आता है। विटामिन ई का सेवन हमारे आसपास बहुत ज्यादा कागार में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगी सच्चाई की, हम बात करेंगे फैक्ट्स की, रिजल्ट्स की, प्रूफ्स की। तो जब रिजल्ट्स की बात की जाती है, जब तथ्यों की बात की जाती है, तो देखा गया है स्टडीज के जरिए कि गामा ओरिजिनॉल का एक कैप्सूल आपको जितना फायदा देता है, उतना फायदा लेने के लिए आपको विटामिन ई के 4 कैप्सूल्स का सेवन करना पड़ेगा। फैसला एक बार फिर से आपके हाथों में है, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना है या फिर विटामिन ई का, फैसला आपके हाथ में है। इसके अलावा डॉक्टर शैलेश सहाय जी जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, डॉक्टर साहब का कहना है कि हाइपरटेंशन के हर एक मरीज को, जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के हर एक मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल में एक बेहतरीन क्वालिटी है हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने की। इसके अलावा भारत के हर बड़े बड़े अस्पतालों से बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठे अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जिनके पास अनेकों सालों का एक्सपीरियंस है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जब गामा ओरिजिनॉल को लेने की सलाह दे रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई तरीका होगा, इससे बेहतर कोई जरिया होगा भारत में स्वास्थ्य क्रांति लाने का। गामा ओरिजिनॉल को घर घर तक पहुंचाना मात्र आरसीएम परिवार का ही कर्तव्य है, और मुझे पूरा यकीन है कि आरसीएम परिवार ये काम बेहद जल्दी और बेहद तेजी से करने वाला है। यहां पर हम समझ चुके हैं कि बीमारी चाहे कोई भी हो, गामा ओरिजिनॉल उसका इलाज है। हमारे शरीर में हर एक अंग के लिए सहायक काम करता है गामा ओरिजिनॉल। लेकिन ये तो बात रही गामा ओरिजिनॉल की क्षमताओं की, गामा ओरिजिनॉल के काम करने के तरीके की, अब मैं आपको बताऊंगी कि गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करता है, गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से विटामिन एम आरसीएम परिवार के सदस्यों को देता है। जी हाँ, यही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा रिटेल प्रॉफिट आपको देता है, एकमात्र यही ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए हमारे पास सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस हैं, और वो भी डॉक्टर्स नामी गिरामी टॉप मोस्ट डॉक्टर्स। इसके अलावा यही इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा परचेज वॉल्यूम देता है, एकमात्र गामा ओरिजिनॉल ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए हमारे पास अनेकों टेस्टिमोनियल्स हैं, और ये देखा गया है कि एकमात्र गामा ओरिजिनॉल ही रेफरल सेल पर बिकता है, यानी कि जब आपने किसी ए सदस्य को गामा ओरिजिनॉल लगातार 5 से 6 महीने सेवन करवा दिया, उनके शरीर में इसका इफेक्ट आने लग गया, उनकी बीमारियां कंट्रोल डाउन होने लगी, उनकी सेहत पहले से अच्छी हो गई, पहले से वो ज्यादा फुर्तीला महसूस करने लगे, अपने आप में अच्छा महसूस करने लगे, तो वो एक सदस्य आपको न जाने कितने सारे लोगों को गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह देंगे। इसको कहते हैं रेफरल सेल। देखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल रेफरल सेल पर बिकने वाला टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है। तो मिशन 5 करोड़ जो हमारा मेन एम है, देखिए ये सब पड़ाव है, ये सब एक एक सीढ़ी है, लेकिन हमारा मेन एम है मिशन 5 करोड़। मिशन 5 करोड़ को अचीव करने के लिए एक और सीढ़ी आपके सामने मौजूद कर रही हूं। ये सीढ़ी है एपी ऑर्गेनिक्स का एक एफर्ट। एपी ऑर्गेनिक्स एक बेहतरीन लग्जूरियस अवार्ड फंक्शन आपके सामने लेकर आए हैं फरवरी 2023 में। जी हाँ, इस फंक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, बेहद आलीशान फंक्शन होगा ये। इस फंक्शन में पहुंचने के लिए दर्शक
कोई भी दर्शक इस फंक्शन में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जितने सदस्य इस फंक्शन में, इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचेंगे, वो सब इस फंक्शन में पहुंचने के हकदार होंगे, क्योंकि सिर्फ अवार्डीज ही इस फंक्शन में पहुंच पाएंगे। तो यानी कि फरवरी की उस रात को उस फंक्शन में जितने भी लोग मौजूद होंगे, उन सब ने वहां पर मौजूदगी अचीव की होगी, वहां पर किसी ना किसी अचीवमेंट के बाद ही पहुंचे होंगे। आम दर्शक को इस फंक्शन में पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। तो अगर आप सब लोग इस फंक्शन में पहुंचना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किस किस प्रकार के एलिजिबिलिटीज हैं, किस किस प्रकार के अवार्ड्स हैं, जिनको क्लियर करके आप इस फंक्शन में आने के लिए आमंत्रित हो सकते हैं। पहला अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड, हर एक एसोसिएट बायर के लिए ओपन। हर एक एसोसिएट बायर इस अवार्ड को लेने की कोशिश कर सकता है। इस अवार्ड को पाने के लिए आपने लगातार 5 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीनों तक 10,000 पीवी अपनी सेल्फ आईडी पर मात्र गामा ओरिजिनल के साथ करने हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये 10,000 पीवी सिर्फ 30 पीस गामा ओरिजिनल से कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आपको अपना कारोबार 30 पीस तक सीमित नहीं रखना। 30 पीस तो कम से कम लिमिट डिसाइड की गई है, आप इससे ज्यादा और भी काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा और भी काम गामा ओरिजिनल के साथ कर सकते हैं। जब आप लगातार 5 महीने 10,000 पीवी गामा ओरिजिनल के साथ कंप्लीट करेंगे, तो जो अवार्ड आपको मिलेगा उसका नाम होगा पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। दूसरा अवार्ड जो हर एक लीडर से है, लीडर के लिए है। अब यहाँ पर सवाल मेरा इस मीटिंग में उपस्थित हर एक एक सदस्य से है, क्या आप लोग अपने आप को लीडर मानते हैं? कि आपको कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है कि आप भी लीड कर सकते हैं, आप भी अपने साथ कुछ लोगों को ले जा सकते हैं, आप भी किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। ये आपके पास सुनहरा मौका है लीडर बनने का, अपने ऊपर लीडर का ताज लगाने का। इस अवार्ड को पाने के लिए आपने अपनी वीकर लेग में, जुलाई की वीकर लेग में, आपको 1,00,000 पीवी लगातार 5 महीने गामा ओरिजिनल के साथ करने होंगे। जी हाँ, लगातार 5 महीने 1,00,000 पीवी आपकी जुलाई की वीकर लेग में। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपकी वीकर लेग में कोई लीडर ये टारगेट पहले से कर रहा है, तो आपका टारगेट उनके टारगेट्स को निकालकर ही डिफरेंस के आधार पर निकाला जाएगा। और अगर आप लगातार 1,00,000 पीवी 5 महीने मेंटेन करते हैं, जो अवार्ड आपको मिलेगा लीडर बनने पर, जो अवार्ड मिलेगा उसका नाम होगा विजनरी अवार्ड। तीसरा अवार्ड जो कि गोल्ड मेडल होगा उस रात का, इस अवार्ड के लिए भी हर एक एसोसिएट बायर ओपन है, हर एक एसोसिएट बायर एलिजिबल है। मैंने आप सबको कहा था कि 30 पीस के ऊपर रुकना नहीं है, अपने कारोबार को चलाकर रखना है, अपने कारोबार को बढ़ाते रहना है। वही बढ़ा हुआ कारोबार आपको दिलाएगा स्टेट टॉपर अवार्ड। जब लगातार 5 महीनों की सेल सबसे ज्यादा पाई जाएगी, तब उस गामोर और तब उस आरसीएम परिवार के सदस्य को स्टेट टॉपर अवार्ड दिया जाएगा। यहां पर आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि हर महीने 10,000 पीवी आपके सेल्फ आईडी पर होने बेहद जरूरी है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5 महीनों की जिस भी महानुभाव की सेल उस इन 5 महीनों में सबसे ज्यादा पाई जाएगी उस एक प्रांत में, उस एक स्टेट में, तो उस एक स्टेट का नंबर वन अवार्ड, स्टेट टॉपर अवार्ड उस सदस्य को मिलेगा। इस अवार्ड फंक्शन को देखते हुए मुझे नजर आ रहा है कि पूरे भारत में गामा ओरिजिनल का परचम लहराएगा और हमारा मिशन 5 करोड़ और हमारे नजदीक आ जाएगा। इस अवार्ड फंक्शन में दिए गए अवार्ड्स को अचीव करने के लिए अगर आपको कुछ मदद की जरूरत है, तो आप इस प्रकार की किताबें, इन किताबों की फिजिकल कॉपीज ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार दोहरा देती हूँ, 8847312706। जब इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी फिजिकल कॉपीज को ऑर्डर करेंगे, तो आपको इस अवार्ड को अचीव करने में और मदद मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दिव्या मैम, आज आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी, और जितने भी साथी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही शानदार महसूस हुआ होगा कि हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि मिशन 5 करोड़ का जो हमारे बीसी चावड़ा जी सर ने जो ये मिशन लिया है, हम भी उसमें कुछ अपना योगदान दे सके। तो जितने भी साथी आज यहाँ पे लगभग अपना ये जूम सेशन फुल है और यूट्यूब पे भी कभी लोग सुन रहे हैं,
तो वो सारे संकल्प ले सकते हैं, हम कितना बड़ा काम करके दिखाएंगे और अपने आप को रियल में साबित करके दिखाना है। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, वो अभी क्योंकि हम संकल्प के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, तो जितने भी साथी यहाँ है वो सारे संकल्प लेंगे कि हम कितना बड़ा काम करके, आज जो दिव्या मैम ने जो जानकारी दी है उस जानकारी का हम कितना बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपना वीडियो ऑन करके हॉरिजॉन्टल में इस मोबाइल को रखना है और वो संकल्प दोहराना है, सिर्फ और सिर्फ कितना मैं बेच सकता हूँ, कितना मैं यूज लेता हूँ उसके बारे में संकल्प लेना है। और हम पूरे हिंदुस्तान में घर घर कैसे पहुंच सकते हैं, जैसे अभी दिव्या मैम ने जो बताया, आने वाले जो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद में 2.5 करोड़ के करीब लोग बीमार होने वाला है, हम उनको बचा सकते हैं, क्योंकि आज हमारा हिंदुस्तान डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। हम नहीं चाहते हैं और बीमारी की भी हम सबसे आगे बढ़े, हम चाहते हैं हम सबसे पीछे रहें। उसमें आरसीएम के हर साथी अपनी पूरी जिम्मेदारी लेके, और टीसी सर का जो संकल्प है 100 सफलता का संकल्प की जो हम डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें हम गामा ओरिजिनल को कितना शामिल कर पाएंगे, तो आप सबकी जोरदार तालियां के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले अनिता भारती दीदी आप आइए। जी मैम आइए। थैंक यू भैया, आज मैडम ने जो बताया वो बहुत ही अच्छा लगे। और छोटी सी मतलब बात मैं कहना चाहूंगी, मतलब संकल्प जो कि 10,000 पीवी में हर महीना करूंगे अगस्त से लेके, और 7,000 प्लस मेरा हो चुके हैं भैया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। केसी सर आप आइए। नमस्कार सर, मैंने शुरू कर दिया है इस महीने 10,000 पीवी कर दिया है और 5 महीने तक लगातार करूंगा मैं, और पायनियर अवार्ड को तो 100% लेना है मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। स्टेट टॉपर अवार्ड की तरफ भी ध्यान दीजिए, सिर्फ 30 पीस पर नहीं रुकना है, हमें स्टेट टॉपर भी लेना है, पूरा भारत है इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, संजय सर आप आइए। जय अर्जुन सर, हमें संकल्प लेते हैं कि सर हर रोज कम से कम 2-3 गामा ओरिजिनल का कम से कम टारगेट पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, जमुद्दीन जी सर आप आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैम ने आज बहुत शानदार जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं मैम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जो भारत में गंभीर समस्याएं बीमारी की हैं उससे हम लोग को निजात मिलेगी। मैं एक शिक्षक हूँ और संकल्प लेता हूँ कि जो टारगेट है तो उसको पूरा तो करना ही है, लेकिन टारगेट से भी ज्यादा अहम भूमिका यह है कि अपने परिवार के साथ साथ अपने परिवेश को, अपने भारत को बीमारियों से बचाना है। इस चीज को लेकर के मैं काम करूंगा सर। और क्या मैं सर मैम से एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। मैम मैं तो गामा ओरिजिनल खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ और विगत 5 दिनों से अपनी मैडम को भी इस्तेमाल करा रहा हूँ, तो आज वो गामा ओरिजिनल जैसे ही इस्तेमाल की और खाना खाने के बाद दोपहर में उनकी जो पसीने बहुत आने लगे और घबराहट होने लगी, तो ऐसा कभी होता है क्या खाने के बाद? नहीं, ये गामा ओरिजिनल की वजह से नहीं हो सकता। हो सकता है कोई एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट है, मौसम ऐसा है उसकी वजह से घबराहट हो सकती है, इसका कारण वो हो सकता है। अगर वैसे तो कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं गया है कि गामा ओरिजिनल का सेवन से घबराहट महसूस हो। अगर घबराहट महसूस होनी होती तो वो उनको पहले दिन ही हो जाती। वो 5 दिन से ले रहे हैं, इसका गामा ओरिजिनल से कुछ भी संदर्भ नहीं है। जी जी ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं संकल्प लेता हूँ कि आपने जो टारगेट बताई है मैं शानदार तरीके से काम करूंगा, और मेरा मिशन यह है कि कम से कम भारत के लोग जागरूक हों, बीमारियों से बचें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लॉन्ग टर्म मिशन होना ही चाहिए। इसके अलावा फरवरी 2023 में सबको अपना परचम लहराना है। बिल्कुल 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 मैम, परचम लहराएगा, आपकी दुआएं हम लोगों के साथ रहेंगी, यकीनन परचम लहराएगा। डेफिनेटली जी सर। आगे बढ़ते हैं, वीएस पंकज सर आप आइए। थैंक यू सर, लाजवाब मीटिंग रही मैडम की, और मैडम जब भी मैडम की मीटिंग होती है दिव्या मैम की तो पूरे भारत में भूचाल आ जाता है। आपको बहुत ही लाजवाब जानकारी दी मैम ने, और मैं उत्तर प्रदेश से टॉपर बनकर आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंकज जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। मैं इस सिस्टम से एमराल्ड अचीवर हूँ, मैं अपनी टीम से भी बहुत सारे लोगों को लाऊंगा। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है जी,
मैं एक पेशेंट को बराबर गामा और जनाइल दे रहा हूँ तो उसको क्या होता है, उसका बीपी लो हो जाता है, उसके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ये गामा जब वो खाती हैं तभी होता है, ये कई बार मैंने उनको दिया मैम, जब भी उनका बीपी ऑलरेडी ऐसे नॉर्मल रहता है, जब भी मैं उसको देता हूँ नॉर्मल ही रहता है। आप लेकिन उनको डोज क्या दे रहे हैं? जी आप उनको डोज क्या दे रहे हैं? एक गामा देता हूँ सिर्फ, एक ग्लास पानी के साथ। जी एक ही। और समय क्या है गामा ओरिजिनोल का लेने का? मॉर्निंग में देता हूँ ब्रेकफास्ट के 30 मिनट पहले या खाना खाने से 30 मिनट पहले। नो 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 नो, यहाँ पर मैं सबको बताना चाहती हूँ, गामा ओरिजिनोल एक फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, इसको अपने शरीर में सबसे अच्छा काम करने के लिए फैट की जरूरत है। पानी के साथ हम ले रहे हैं क्योंकि हम आमतौर पर दवाई पानी के साथ ही लेते हैं, लेकिन आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा भोजन के एकदम पहले जब आपकी थाली आकर परोसी गई, सबसे पहले आपने पानी के साथ गामा ओरिजिनोल का सेवन करना है, उसके बाद साथ के साथ भोजन करना है। आप उनको कहिए ऐसा बदलाव करके देखें, 100% उनको ये जो घबराहट की जो भी समस्या है, ऐसा बीपी लो होने की, वो नहीं होगी, क्योंकि गामा ओरिजिनोल को फैट्स चाहिए हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो भोजन के एकदम पहले खाना है, 30 मिनट पहले नहीं। ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा, मैं उसको देकर फिर आपसे संपर्क करता हूँ। ओके वेलकम। सरिता दीदी आप आइए, और शुक्ला जी अपना मोबाइल को घुमाना है। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने अभी 10 दिन पहले ही एक मतलब महिला को गामा ओरिजिनोल दिया, तो वो ऑलरेडी पहले से ही स्लिम थी, तो मैं 2-3 दिन से बड़ी कंफ्यूज थी, और आज मैं बुक भी रीड कर रही थी और मैंने पंपलेट है इसमें पढ़ा कि जैसे हमारा 2 नंबर पे लिखा है मोटापा कम करने के लिए है, तो वो ऑलरेडी पहले से ही स्लिम है बहुत, तो और ज्यादा स्लिम नहीं हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी। देखिए गामा ओरिजिनोल हमारे शरीर का जो बीएमआई है, बीएमआर है, हमारा फैट जो हमारी कैलोरीज को बर्न करने का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के हिसाब से काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ऑलरेडी कम वजन वाली है तो उनका वजन और कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि कम वजन वाली महिला होने के बावजूद उनके शरीर में शक्ति आएगी, उनके शरीर में जो हम ताकत कह सकते हैं, ताकत का उनको महसूस होगा, आगे से ज्यादा समृद्ध हो जाएगा उनका शरीर, बिल्कुल भी वजन नहीं कम होगा ऐसे। वजन उनका कम होता है जिनका ऑलरेडी बीएमआई बहुत ज्यादा हो, जिनके शरीर में ऑलरेडी जो कैलोरीज हैं वो बर्न नहीं हो रही है, उनका वजन कम होता है। जी मैम, थैंक यू सो मच। जी सरिता दीदी अपना संकल्प दोहराना है। यस मैम, मैंने लास्ट ईयर में मैंने गामा ओरिजिनोल किया था, तब मैंने 12 सेल किए थे और मुझे जो हमारी मैरीकॉम का मुझे सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन अब मैं अभी भी मैं बहुत अपनी क्षमता से अधिक करूंगी गामा ओरिजिनोल पे और बहुत अच्छे से काम करूंगी। मुझे इस अवार्ड फंक्शन में महिलाओं से खास उम्मीद है, वाकई मेरी ये खास उम्मीद है महिलाओं से कि खूब मेहनत कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, स्पेशल मीटिंग्स कीजिए ताकि महिलाएं भी खूब अपना परचम लहरा सके इस फंक्शन में। जी यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया। आलोक सिंह सर आप आइए। जी आलोक सिंह सर। जी सर नमस्कार, जय आरसीएम। एक आदमी को मैं गामा ओरिजिनोल 4 महीने से यूज करने के लिए दिया हूँ, वो बोल रहे हैं कि मेरा डायबिटीज जस का तस है, कुछ कम नहीं हुआ है, जरा उनसे मैं बात कराना चाह रहा हूँ। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? हम ठीक है, 4 मंथ से हम खा रहे हैं गामा ओरिजिनोल। जी जी, फर्क नहीं पड़ रहा है। डोजेज क्या है सर आपकी गामा ओरिजिनोल की, क्या कितनी गोली खा रहे हैं प्रतिदिन? एक गोली मॉर्निंग, एक गोली नाइट में। ठीक है, बिल्कुल सही, जैसा मैंने अभी बताया कुछ समय पहले, बिल्कुल भोजन के एकदम पहले खा रहे हैं? हाँ भोजन के पहले। बीच में अंतर तो नहीं रख रहे? नहीं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपको डायबिटीज कितने वर्षों से है, कितनी पुरानी डायबिटीज है और किस लेवल पर रहती है ये डायबिटीज? 7 ईयर्स हो गया मैम। ओके, और आपका जो हम रेशो की बात करते हैं, कितनी डायबिटीज रहती है आपकी फास्टिंग और विद आफ्टर? 200 के करीब रहता है फास्टिंग। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, इसकी जांच आप जो हम कितनी देर बाद आप जांच करवाते हैं इसकी डायबिटीज की?
एक फास्टिंग होता है मैम जो खाली पेट में कराते हैं और खाने के बाद 2 घंटे के बाद। हाँ हाँ नहीं कितने दिनों बाद, 15 दिन बाद, महीने में 1 बार 2 बार कैसे करवाते हैं? कभी 15 चाहे महीना जैसा मतलब है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ क्योंकि हम वो वाली जांच करवाते हैं जो 15 दिन बाद एक बार हो रही है या महीने बाद एक बार हो रही है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगी कि डायबिटीज जांच करने का एक खास टेस्ट आता है जो पिछले 3 महीने की डायबिटीज को चेक करता है, 3 महीने की डायबिटीज को ट्रैक करता है। आप वो टेस्ट करवाइए, उसमें 100% आपको नजर में आएगा कि 3 महीने पहली वाली डायबिटीज और आज वाली डायबिटीज में अंतर है। जो हम रोजाना की डायबिटीज चेक करवाते हैं उस टेस्टिंग के अलावा जो ये 3 महीने वाली डायबिटीज का टेस्ट होता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण पाया गया है। और इसका रिजल्ट, इसका जो जो इसका नंबर है, जो इसका रिजल्ट निकल कर आता है उसकी ज्यादा अहमियत पाई गई है। आप एक बार वो टेस्ट करवाएं, आपका जो डाउट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। ये पैकेज में आता है मैम? पैकेज की मुझे जांच नहीं, लेकिन 3 महीने वाला डायबिटीज का टेस्ट होता है। अच्छा। जी जरूर करवाइएगा सर उसको। ठीक है, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खिलराज ओझा सर प्लीज वेलकम, आप आइए। थैंक यू धनराज सर, थैंक यू मैम। तो जैसे अब हम लोग का जो टारगेट जो सर ने जो दिया, तो अभी तक तो मेरा 10,000 तक हो चुका है, करीब थोड़ा बाकी है, बस पार हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सेल्स में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारा साथी, जैसे मेरा हाथ में जो बुक है इसको मैं लेके बात करूंगा, तो गामा में बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूँ, गामा का रिजल्ट भी मिल रहा है। और हम लोग को जो डोज लेने का जो तरीका जो होता है ना, उसको ढंग से अगर हम करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा से आएगा। तो जो भी साथी गामा में आप काम कर रहे हैं, तो पहले साथी वो पहले आप खुद को लेना पड़ेगा, आपको स्टडी आपको खुद से करना है अपने से। और जो भी साथी डायबिटीज है या किसी भी तरह का आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो 2 डोज में आपको काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमको कम से कम 500 mg हमको चाहिए, तो वहां में 450 ही होगा, तो आपको बॉडी का जो आपको उस तरह से आपको उसको आपको पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैं जो किस तरह से काम कर रहा हूँ, मैं तो जो भी साथी को मैं गामा दे रहा हूँ ना, मैं 3 दिन में जाके, 4 दिन में, 5 दिन में, सप्ताह में 2 बार में जाके उनको साथ में रिचेक कर रहा हूँ कि आप गामा किस तरह से ले रहे हैं, आप कब ले रहे हैं, किसे ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज क्या हो रहा है आपका, और खाने का तरीका क्या है। तो इस तरह से हम अगर उसको गाइड करेंगे 1 महीना तक, तो आपको पता चल जाएगा। और हम जो किसी को डोज देंगे, तो अगर गलत तरीके से हम ले रहे हैं, कोई आदमी एक ही बार में 3 टेबलेट को, मैंने 3 कैप्सूल को ले रहा है, कोई आदमी भूल रहा है, कोई खाना खाने से आधा घंटा पहले ले रहा है, तो उसमें आशा रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो मैं अभी तक 10 आदमी को दे चुका हूँ, लेकिन मेरा 10 आदमी 10 का 10 मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है मैम। और मैं डायरेक्ट मैं आऊंगा आपको फरवरी महीना में, मैं आ रहा हूँ, और साथ में मैं 20 लोगों को लेके भी आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं, कृपेश्वर सर आप आइए। नमस्कार सर, जय आरसीएम सर। गामा ओरिजिनल के बारे में आज मैम ने बहुत शानदार जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गामा ओरिजिनल का दिन है सर, सर अनम्यूट हो गया आपका। हमें जीवन दे सकता है तो लोगों को भी 100% देगा, और इसलिए मैं जो टारगेट है उसको पूरा प्रयास करूंगा पूरा करने का। बहुत बढ़िया सर, अपने को थोड़ा सा नंबर में दिखाना है, टारगेट कितना ले रहे हैं, चाहे 5 अभी लोग। आप लोग ये बता सकते हैं कि अभी आधा महीना निकल गया, आप कहां पर पहुंच गए और कितना काम बाकी है? जी बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं, सुनीता दीदी आप आइए। हेलो सर, जय आरसीएम। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, मेरा नाम सुनीता दुले। गामा से तो, गामा तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर। मैं तो सुबह
सुबह सुबह गर्म पानी पानी से लेती हूँ, दूसरे को भी बताती कि गर्म पानी से एक गिलास गर्म पानी से ले लो, जल्दी पचन हो जाते हैं। सही है क्या सर? गर्म पानी के बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ जी, सुबह सुबह चाय के पहले ले लो, फिर उसका रिजल्ट आ रहा है मैडम। हाँ, उसमें ये है कि आपने गामा ओरिजिनल लिया और उसके बाद चाय पी ली, कुछ ना कुछ खा पी लिया, वो जरूरी है। मैंने दूसरे को भी दिया, उसका भी रिजल्ट आया मैडम। बहुत बढ़िया। अभी आप कितना काम करेंगी सुनीता जी? अभी तो मैं इधर अकेली हूँ मैडम, पर मैं करूंगी, जरूर करूंगी। देखिए, महिलाओं के लिए मेरी खास एक एक तार रहती है जो जुड़ी रहती है, समझ रहे हैं आप सब लोग। जी बिल्कुल, करके दिखाना है, बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, चाहे अकेले हो, चाहे किसी का साथ ना भी मिले तब भी कर सकते हैं, और करके दिखाना है। चलिए मैडम, एक बार मैडम, छोटे बच्चे का 15 साल के बच्चे को देने आता का गामा ओरिजिनल? समस्या क्या है? ओ, थोड़ा मोटापा। वर्जिश करवा लीजिए उससे। देखिए, दे सकते हैं, इसको देने में कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे को देने के लिए कहा जाता है कि किसी डॉक्टर के परामर्श के अधीन दिया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। जी दीदी, नाम नहीं है, 1ZOFC आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन आया है तो जी। ये पीले रंग के सूट में बैठी हैं आप। हाँ दीदी, सुन नहीं पा रही है शायद। चलिए खुशबू कुमारी के पास में चलते हैं आगे। जी बिल्कुल आ रही है। सर, सर मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मेरा ये अगस्त से लेकर के दिसंबर तक 30 पीस गामा ओरिजिनल में भेजूंगी, ये मेरा टारगेट है सर। और मैं गामा ओरिजिनल लेती हूँ सर, तो ये सही है ना? बिल्कुल सही है, लेना ही है, अपनी सेहत के लिए लेना है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक 30 पीस हर महीने करना है, प्रत्येक मंथ मैम, प्रत्येक हर मह। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया खुशबू जी, बहुत बढ़िया जी। दीदी बोलिए, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। जी बताइए, पीले सूट में आप पहनी है, आप क्या क्या कहना चाहती हैं, कितना काम करेंगी आप? जी जी, आप ही से बात कर रहे हैं हम, नाम नहीं आ रहा आपका, बोलिए। माया जी। अच्छा माया, कैसी हैं आप? ठीक है जी। हाँ बताइए, कितना काम करेंगी आरसीएम गामा ओरिजिनल पर? बहुत काम करेंगे जी, अभी तो 2 महीने से कर रही हूँ जी। 2 महीने से कर जी। जी जी, 5 महीने लगातार 30 पीस गामा ओरिजिनल के ऊपर करने हैं। मैं आप सबको एक, धनराज जी एक 2 मिनट का समय लेना चाहती हूँ, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। इस टारगेट को अचीव करना बेहद आसान है अगर आप मेरी नजर से देखें तो। अगर मैं सोचूं कि इसका आसान तरीका क्या है इस टारगेट को कंप्लीट करने का, तो आपने मात्र एक लिस्ट बनानी है 40 लोगों की। मैं ऐसे ही बात पहले भी बता चुकी हूँ, 40 लोगों की लिस्ट बनाइए, उनसे कहिए कि हम आपकी सेहत का सर्वे करेंगे, आपको 5 महीने हमारा साथ देना होगा, 5 महीने आपको गामा ओरिजिनल का सेवन बिना भूले लगातार करना होगा। 40 लोगों की लिस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कई बार उसमें से 2-3-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस चीज को कंप्लीट ना कर पाए, ताकि हमारे 5 महीनों तक 30 लोग ऐसे पक्के हों जो गामा ओरिजिनल का सेवन करते हो। मात्र उन्हीं 30 लोगों को जब आप पकड़े रखेंगे, उनको अच्छे से दवाई देंगे, उनको याद करवाते रहेंगे कि आप अपनी डोज सही समय पर ले रहे हैं कि नहीं, तो वो ही 30 लोग आपको लगातार 5 महीने गामा ओरिजिनल का ऑर्डर देंगे। आपको गामा ओरिजिनल देने से पहले भी उनका क्लिनिकल टेस्ट करवाना है, उनका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा लीजिए और उनको कहिए कि हम 5 महीने बाद फिर से करवाएंगे। ऐसा करने से हर एक RCM के सदस्य के पास उनका अपना पर्सनल 30 रिपोर्ट्स होंगी जिनमें ये लिखा जाएगा कि गामा ओरिजिनल वाकई में काम कर रहा है। तो इसको
इसको अचीव करने के लिए हमें हर महीने नए नए 30 लोगों को ढूंढने की बजाय 30 लोगों को 40 लोगों को कन्विंस कीजिए कि वो लगातार 5 महीने आपसे गामा ओरिजिनल का सेवन करें। इससे आपका ग्रोथ भी होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर तीसरे चौथे दिन आपने उन 30 लोगों को फोन जरूर करना है कि आप दवाई ले रहे हैं कि नहीं। राइट जी जी। भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30 पीस गामा ओरिजिनल पर काम करना है माया जी। मैम जी शुरू करेंगे मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। धनराज जी आगे बढ़ते हैं। गायत्री दीदी आप आइए। जय आरसीएम सर। इस महीने में सर हमने 5 गामा ओरिजिनल ली है और हमको भी बीपी की प्रॉब्लम थी, हम उसको दवा खा रहे थे, उसका रिस्पांस भी मिल रहा है और न्यूट्रिशन में न्यूट्रीचार्ज ओमन भी सर दे रहे हैं। कितना काम करेंगी ज्ञान्ति जी आप? मैम 30 पीस गामा ओरिजिनल के ऊपर आप काम करेंगी? हाँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप कर सकती हैं, मुझे पूरा विश्वास है जी। सर आगे बढ़ते हैं। नवीन कुमार सर अपना मोबाइल को घुमा के आप आइए। हेलो जी। जी सर जी नमस्कार सर, बिहार दरभंगा से बोल रहा हूँ। दिव्या मैम का ट्रेनिंग लेते ही तो मैं गामा शुरू कर दिया हूँ और इस महीने से टारगेट है 30 गामा बेचना है हमको। और मैम से एक सवाल है हमें, जो आज मैं एक डायबिटीज का पेशेंट को जांच करवाया हूँ, उसका 418 खाना खाने से पहले है और खाना खाने के बाद 586 है, इसको क्या डोज देना चाहिए? बहुत ज्यादा डायबिटीज की मात्रा आई है इनकी। देखिए वैसे तो क्लिनिक अगर हम कंपनी लॉज की बात करें तो उसके तहत मात्र 2 कैप्सूल्स प्रतिदिन देने की सलाह दी जाती है, लेकिन जब इस प्रकार की कोई कोई रेयर केसेस होते हैं जिसमें बीमारी बहुत गंभीर रूप ले चुकी है, जिसमें मरीज की सिचुएशन को देखते हुए डोजेज को बढ़ाया जा सकता है। आरसीएम के अनेकों महानुभाव डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनल की डोज को बढ़ाकर अच्छे रिजल्ट्स को कम समय में पाया है। देखिए इनके लिए मैं ये समझ पा रही हूँ कि इनको 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को लेने की सलाह आप दे सकते हैं जी। ओके मैम। यस आशा जी आप आइए। धन्यवाद धनराज सर और थैंक यू मैम, क्योंकि आज जो आपका सेशन बहुत ही धमाकेदार हुआ, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज मैं संकल्प लेती हूँ मैम कि स्टेट टॉपर का मैं टारगेट को अचीव करूंगी और 10,000 परचेज वॉल्यूम का प्रोडक्ट मैं अपने आईटी पर लूंगी, उसको सेल भी करूंगी, क्योंकि न्यूट्री ये हमारा गामा ओरिजिनल का जो ताकत है वो मुझे पता है, क्योंकि हम लोग फैमिली में सभी लोग यूज कर रहे हैं और मेरी माँ डायबिटीज पेशेंट है, उनको दे रही हूँ, उनका रिकवरी इतना जल्दी हो रहा है कि मैम मेरी माँ दिन भर घर में घूमती है, काम करती है, कभी भी नहीं थकती है, मेरे नजर के सामने की वो बात है। और पहले भी मैं मैरीकॉम जी से मिलने के लिए टारगेट अपना अचीव कर चुकी हूँ मैम और ये भी टारगेट मैं अचीव करूंगी, मेरा गामा करेगा हंगामा। जय आरसीएम। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, 30 से ज्यादा पीसेस पर काम करना है। इसके लिए आपको भी मैं एक गुण बता सकती हूँ, एक मंत्र बता सकती हूँ, आप अपने आसपास जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्ट कीजिए। देखिए जो काम आप एक दिन में नहीं, एक 10 दिन में नहीं कर पाएंगे, वो काम डॉक्टर्स मात्र एक दिन में कर देंगे। उन्होंने दिन भर में कितने मरीजों से मिलना है, अगर आप उनको डॉक्टर्स की बुक वाली रिपोर्ट देते हैं, डॉक्टर्स बुक देते हैं, रिजल्ट्स दिखाते हैं, रिपोर्ट्स दिखाते हैं, तो आप उनको कन्विंस करने के बाद गामा ओरिजिनल की चर्चा कर सकते हैं कि वो गामा ओरिजिनल अपने मरीजों को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दें। इससे उनको ये फायदा होगा कि उनके मरीजों की बीमारी जो है कंट्रोल होने लगेगी और वाकई में स्टेट टॉपर बनने का ये एकमात्र सही रास्ता मुझे समझ में आता है जी। बिल्कुल मैं करूंगी 100%, आपसे वादा है मेरा आज।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत उम्मीदें हैं मुझे आप सबसे। जी सर नेक्स्ट। जय श्री पाटिल सर आप आइए। जी जय श्री पाटिल जी। यस हाँ नमस्कार मैडम। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। हाँ मेरा एक पेशेंट था मैडम, उससे मैंने डॉक्टर से बात किया था कि गामा ओरिजिनल इनको दो, पर डॉक्टर का ऐसा कहना था कि उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, क्या ये सही है? अरे स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गामा ओरिजिनल 100% नेचुरल एक्टिवेट, 100% नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। स्टेरॉइड्स तो दूर दूर तक नहीं है। वो जो डॉक्टर साहब कोई दवाई आपको लिख देंगे उसमें स्टेरॉइड्स जरूर होंगे, लेकिन गामा ओरिजिनल में स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी नहीं है। हाँ क्योंकि मेरा जो पेशेंट था उसको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो उनको दिया तो उन्होंने, डॉक्टर ने उनको ना कर दिया कि ना ये मत लो आप इसमें स्टेरॉइड्स। जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इतने बड़े बड़े लेवल के डॉक्टर्स जो इतने बड़े बड़े अस्पतालों से एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, जो आम हमारे आसपास होने वाले डॉक्टर्स से कितने ज्यादा मरीजों से रोजाना मिलते हैं, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स इसको लेने की सलाह दे रहे हैं। तो सिर्फ जरूरत है थोड़ी सी जानकारी देने की, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की। ठीक है मैडम जी। ओके थैंक यू। अनु जी अपना मोबाइल को घुमा कर आइए। अनु दीदी मैम थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है अनु जी, अपडेट है वो भी मैं पूरा अचीव करूंगी। जी 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 यस अचीव कर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे किडनी में स्टोन होती है वो रिमूव हो जाएगी, आई थिंक 40 mm की है। 40 mm तो बहुत बड़ा नंबर है, 40 mm नहीं हो सकता, 14 mm हो सकता है। मैम नहीं वो बड़ी हो गई है इसी वजह से थोड़ा डाउट है। जी देखिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया था ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल 40 mm बहुत ही बड़ा साइज है। मैं आपको बता दूं कि गामा ओरिजिनल के लिए किडनी की या गॉल ब्लैडर की जो पथरी की समस्या है उसका इलाज ये कर सकता है, ऐसा कोई भी रिसर्च पेपर ऐसा कोई भी टेस्ट हमारे पास इस समय नहीं है, तो हम इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इतना जरूर देखा गया है कि जो किडनी के पथरियों के जो मरीज हैं उनको दर्द में आराम जरूर पाया गया है, उनका दर्द पहले से ज्यादा, मैं आपकी आवाज जरा म्यूट कर रही हूँ पीछे से बहुत शोर आ रहा है, तो उनको दर्द में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट पाई गई है, देखा गया है कि उनका दर्द जरूर कंट्रोल हो गया है, सेवन करवाया जा सकता है। लेकिन इस अकेले के ऊपर आधारित ना रहकर डॉक्टर साहब की दवाई और उनके परामर्श के अकॉर्डिंग चलना मैं मुनासिब समझती हूँ, जरूरी है। मैम जैसे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है फेस में, नहीं चकत्ते टाइप में पड़ जाते हैं, यदि मैं उसमें रिकमेंड करूँ तो क्या उचित होगा? फेस के चकत्थों की मुझे बताइए, सफेद रंग के चकत्थों की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं जैसे हल्के रेड कलर के हो जाते हैं कई सारे, जैसे नहीं मच्छर वगैरह काट लेते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, सारे निकल आते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्किन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, स्किन पर बहुत अच्छे से काम करता है, एंटी एजिंग में भी काम करता है। आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हों, झाइयां हों, काले घेरे हों, उन सब के ऊपर काम करता है, ऐसा अखबारों में आ चुका है। मैम अगर इसको डबल डोज में करें तो जल्दी रिजल्ट आएगा? जी बिल्कुल आ सकता है, कंपनी लॉज के तहत तो मात्र दिन में 2 कैप्सूल्स लेने की सही सलाह दी जाती है। लेकिन अगर कोई गंभीरता है, कोई डॉक्टर कोई बीमारी की गंभीरता है, मरीज की सिचुएशन ऐसी है कि डोज बढ़ाने की जरूरत है, तो बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जी मैम साइड इफेक्ट तो नहीं है ये 100%। जी म्यूट हो गया। जी तो विजयकांत सर आप आइए। मैम के द्वारा आज बहुत अच्छी जानकारी दी गई। मैं खुद गामा ओरिजिनल 6 महीना से ले रहा हूँ, मेरा लो बीपी का शिकायत था, तो किताबों में कहीं भी लो बीपी सही करता है इसका जिक्र नहीं है मैम, तो क्या इसको मैं लगातार लूँ क्या?
बिल्कुल ले सकते हैं सर, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलरेट करता है, रेगुलेट करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को ही लोअर डाउन करेगा, जिनका ब्लड प्रेशर लो है उसको भी बढ़ाकर न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। आप खुद सेवन कर रहे हैं गामा ओरिजिनॉल का, तो आपको इसका एहसास हुआ होगा। मुझे ये लग रहा है कि जो पहले तो मैं इसको कंट्रोल के लिए डेकाडुराबुलिन का सुई लेता था, और 15 दिन के अंतराल पर लगभग 3 सुई लेके होता था, लेकिन लगभग लगभग इस साल मतलब 2022 6 महीना से मुझे लग रहा है कि वो चीज मेरा मैनेज हो रहा है। तो फिर बिल्कुल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लो ब्लड प्रेशर को भी मदद देता है। एक क्वेश्चन और है मैम, यदि इसको लगातार हम सेवन करें तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है क्या? क्या पानी को पीने की कोई सीमा है? भोजन करने की, रोटी खाने की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है, जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। गामा ओरिजिनॉल भी जब तक जीवन है तब तक आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जी सुधांशु सर आ भाई। नमस्कार, मैं 10,000 पे भी कर रहा हूँ गामा ओरिजिनॉल से, और जी धन्यवाद। और मेरा दो छोटा छोटा प्रश्न है, एक कि मेरे एक सीनियर साथी है 65 साल के, तो वो 2 कैप्सूल सुबह ही ले लेते हैं पानी के साथ, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ले लेती हूँ। कई बार रात को भूल जाती हूँ तो मैंने शुरू कर दिया, सुबह ही 2 ले लो इकट्ठे, भूले ना ताकि। अच्छा अच्छा बिल्कुल। दूसरा प्रश्न है मेरा कि हाइपरथायराइड में ये काम करता है कि नहीं? 100% देखिए, हाइपोथायराइड में ये काम करता है, लेकिन हाइपरथायराइड जो कि दूसरी प्रकार का थायराइड है उसमें इसका रिजल्ट देखा गया है, लेकिन थोड़ी देरी के बाद इसका रिजल्ट आता है। जैसे हाइपोथायराइड में बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखा गया, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास, लेकिन जो हाइपरथायराइड है उसमें इसका रिजल्ट आने में लंबा समय लगता है। मैं आपको ये कहूंगी कि जो भी हाइपरथायराइड के मरीज हैं आप उनको गामा ओरिजिनॉल दीजिए, अगर उनका हाइपरथायराइड कंट्रोल थोड़ी देरी से होगा तो इसके उसके इनको अनेकों और बहुत से फायदे हो जाएंगे, जिससे थायराइड को एक तरफ रख दिया जाए तो उनके शरीर में और भी बहुत सी ऐसी सहायताएं हो जाएंगी जो गामा ओरिजिनॉल को लेने से उनको शरीर बेहतर महसूस करेगा। ठीक है, नसीब सिंह आइए सर आप। जी सर, सत श्री अकाल सर जी। क्या कम नहीं हुआ सर? वजन कम नहीं हो रहा मैम। वजन कम नहीं हो रहा, क्या डोज ले रहे हैं आप? वजन और कम नहीं हो रहे हैं सर। डोज क्या ले रहे हैं आप, डोज बताइए। मैम ऐसा है कि 3 दिन कैप्सूल सुबह और शाम लेके भी देखे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, वजन कम होगा, हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन आपको थोड़े बहुत बदलाव आपके कुकिंग, आपकी ईटिंग हैबिट्स में भी करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप अपना भोजन लगातार वैसे ही खूब अच्छे से राजा महाराजा की तरह कर रहे हैं और वजन काम कम करने का काम गामा ओरिजिनॉल कर देगा। थोड़ा बहुत आपको फिजिकल, जो चाहे उसको सिंपल वॉक बोल दीजिए, थोड़ा बहुत आपको फिजिकल काम करना होगा, और इसके अलावा भोजन में भी आपको सिर्फ सीधा सा आप एक तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, रात का भोजन 7 बजे से पहले कर लीजिए और सुबह का नाश्ता 11 बजे के बाद कीजिएगा, मात्र 1 महीने में आपको रिजल्ट आने लगेगा। इसके अलावा नोटिस कीजिए कि दिन में 1 फल, 1 सब्जी एज अ सैलड और 3 लीटर पानी आप पीते रहें, दिन भर थोड़ा बहुत टहलते रहें, एक जगह सीडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ दें, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 100% रिजल्ट देगा। ये एक इंजन की तरह काम करेगा, आपको पुश करेगा, थोड़ी सी मेहनत लेके आपको खुद करनी होगी। जी बिल्कुल,
वो टाइम भी हो गया हमारा दीदी। और जैसे मैम ईसा वशिष्ठ ने एक बार बताया था हमारे, मतलब जो वजन के जो कंट्रोल की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें हमें अंतरकालीन उपवास को अपनाना पड़ेगा, तभी हम इसमें अपना कंट्रोल कर पाएंगे। खाली गामा ओरिजिनल नहीं कर पाएगा, लेकिन हम अगर अंतरकालीन उपवास करेंगे, जैसे आपने बताया शाम को 7 बजे, उसके 10-12 घंटे बाद में हमें नाश्ता, यानी पीबीएम नाश्ता लेना, उसके बाद में भोजन करना है, फिर एक्टिविटी वो वॉकिंग वगैरह, तो सारी चीज अपनाएंगे, तभी हम कुछ अपने जीवन में ये बदलाव कर पाएंगे जी। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, और आज जितने साथी आए हैं उनको बहुत बड़ा फायदा भी मिला होगा, और जो साथी संकल्प नहीं ले पाए, उनका नंबर नहीं आया, तो वो अपने मन में संकल्प ले सकते हैं, हम उस प्रोग्राम में फरवरी के जो प्रोग्राम होने वाला है फरवरी 23 में, तो उसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये हम भरोसा दिला सकते हैं दिव्या मैम को, ताकि अगली बार जब भी दिव्या मैम आएंगी तो हमारे लिए और खजाना लेके आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप अपने मन में अपनी अंतरात्मा से संकल्प कर लीजिए, अपने आप से वादा कर लीजिए, आज रात को सोने से पहले 40 लोगों की लिस्ट तैयार करके बैठिए, और कल सुबह से अभियान छेड़ लीजिए। आधा महीना पड़ा है अभी, आधे महीने में अगर आप चाहें तो 40 लोगों से बातचीत करके उनको कन्विंस कर सकते हैं, और उन सबको गामा ओरिजिनल दे सकते हैं, और उन 40 लोगों को बना कर रखिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम, जय भारत।